देवघर का दरबार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राज्य सरकार और कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही मंदिर खोला गया है। जिला प्रशासन की पूरी टीम ने गुरुवार को अगले सुबह से ही मंदिर में जमी रही। देवघर SP पीयूष पांडे, देवघर DC कमलेश्वर प्रसाद सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। देवघर DC श्री सिंह ने कहा कि देवघर बाबा मंदिर को सरकार और कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही खोला गया है, जिसमें पहले दिन ट्रायल के रूप में चलाया गया। गाइडलाइन के मुताबिक प्रतिदिन 4 घंटे मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, जिसमें प्रति घंटे 50 व्यक्ति की दर से 4 घंटे में 200 आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे, जिसके तहत पहले दिन इसकी एंट्री प्रशासनिक भवन से होते हुए फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से गर्भगृह में कराया गया। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन और मास्क की उपयोगिता अनिवार्य कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की गाइडलाइन इतनी ही है, लेकिन जब मंदिर खुल रहा है तो मंदिर के आसपास के होटल और आश्रम को भी खोलने की बात चल रही है, लेकिन सरकार द्वारा इसके कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। वहीं आम श्रद्धालु 5 महीने के बाद बाबा के दर्शन कर काफी खुश नजर आ रहे थे, जबकि पुरोहितों का मानना है कि पुरुषों के लिए बाबा मंदिर खुला था, लेकिन अब इनके यजमानाओं के लिए भी मंदिर खुल गया है, जिसमें यह काफी खुश है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड के लोगों के लिए बाबा मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिल रहा है, वैसे ही अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी मौके मिलने चाहिए। लोगों के आने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना चाहेंगे तो प्रतिदिन 4 घंटे हम लोग उनको दर्शन अलाउ करेंगे, 6 से 10 बजे तक। 1 घंटे में मैक्सिमम 50 आदमी को, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो उस लिहाज से 50 आदमी 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पूजन की बात नहीं हुई है, दर्शन की बात हुई है, और इसमें ध्यान रखने की बात है, आप लोगों को भी सबको जागरूक करना है कि जो वृद्ध हों, छोटे बच्चे हों, प्रेग्नेंट महिलाएं हों या बीमार लोग हों, वो लोग ना आए, उनको आप लोगों की तरफ से भी आने की मनाही की जाए। और यह व्यवस्था जब अभी तो आज चूँकि आरंभ किया गया है, इसलिए इसके लिए कोई ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन सरकार के द्वारा निर्देश है उसमें कि इस तरह की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो चूँकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, भविष्य में हो सकता है भीड़ बढ़े, तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग 1-2 दिन में ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए सभी पब्लिक को एक लिंक दे दिया जाएगा आप लोगों के प्रचार माध्यम से, और जो भी लोग उससे अपने को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो लोग इसमें आने के लिए स्वतंत्र होंगे। उनको एक ID कार्ड अपना साथ में रखना होगा, और कुछ उसमें हम लोग लगाएंगे क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ उनके पास होना चाहिए, तो आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगी और आप ही के द्वारा बाकी सभी लोगों को जानकारी बात की गई है। क्योंकि आपके यहाँ न होटल खुले हैं न लॉज खुले हैं, तो जो लोग आएंगे आखिर रहेंगे कहाँ, तो इसलिए अभी लोकल व्यवस्था की तरह हो सकता है सरकार क्रमशः इसमें जैसे अन्य जगहों पर मंदिरों को खोलने की व्यवस्था हो रही है, यहाँ भी अन्य मंदिरों को भी खोलने की व्यवस्था की जा रही है, तो संभव है भविष्य में धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप जैसे जैसे घटता जाएगा मंदिर पूरा उन्हीं भांति खुल जाएगी जैसे पहले सब लोग आते थे।